सफर खूबसूरत है मंजिल से भी ज्यादा, और आज का हमारा सफर उत्तराखंड के बहुत ही खूबसूरत लोकेशन ऋषिकेश का है, जो कि भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। गंगा किनारे पर बसे इस शहर में आपको बहुत से मंदिर और आश्रम मिल जाएंगे, और साथ ही आप यहां बंजी जंपिंग और रिवर राफ्टिंग जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज का आनंद भी ले सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस शहर के टूर पे लेके चलेंगे। और अगर आप भी ऋषिकेश का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को पूरा देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमने ऋषिकेश का ट्रिप स्टार्ट किया दिल्ली से, और दिल्ली से ऋषिकेश का डिस्टेंस अराउंड 240 किलोमीटर है। इस रूट पे रोड्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, तो डिस्टेंस आप 5 से 6 घंटे में आराम से कर लेंगे। और नेक्स्ट टाइम आप जब भी ऋषिकेश आएंगे तो एक कॉमन साइट जो आपको देखने को मिलेगी वो है खूबसूरत ड्राइव उत्तराखंड के जंगल से, और सच में ये चीज़ आपके ट्रिप में 4 चांद लगा देगी। दिन भर के सफर के बाद जब हम शाम को ऋषिकेश पहुंचे तो सबसे पहले हम त्रिवेणी घाट में गंगा आरती देखने चले गए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था। गंगा आरती शाम को 6 से 7 बजे के बीच में होती है, तो आप मेक श्योर करें कि इस टाइम पे आप त्रिवेणी घाट पे मौजूद हों। योगा कैपिटल होने के साथ साथ ऋषिकेश इंडिया में टॉप बजट डेस्टिनेशंस में आता है, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे होटल्स, हॉस्टल्स, गेस्ट हाउसेस मिल जाएंगे। गंगा आरती देखने के बाद हम लिफ्ट फ्री हॉस्टल में चले गए। इसकी सबसे खास बात ये थी कि इसकी लोकेशन बिल्कुल सेंटर ऑफ टाउन में थी, जिस कारण हमें शहर घूमने में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई, और साथ ही यहाँ की होस्टिंग और रूम की प्राइसिंग बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग चेकआउट करने के बाद हम लक्ष्मण झूला की ओर निकल पड़े। लक्ष्मण झूला के रास्ते में आपको बहुत सी रुद्राक्ष और स्टोन्स की शॉप मिल जाएंगी, जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, और साथ ही आपको एक मुखी रुद्राक्ष भी देखने को मिल जाएगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 11 साल में सिर्फ एक ही बार पेड़ पे उगता है, और उसे आप खरीद नहीं सकते, उसके सिर्फ दर्शन ही होते हैं। ऋषिकेश ने आज भी अपना कल्चर बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है, और यहाँ पे आपको एक ऑथेंटिक इंडिया का फील जरूर आएगा, चाहे वो आर्टिफैक्ट्स की शॉप हो, कपड़ों की शॉप्स हो, या फिर मंदिरों का आर्किटेक्चर। कुछ देर मार्केट में वॉक करने के बाद हम फाइनली लक्ष्मण झूला पहुंच गए, और लक्ष्मण झूला की कहानी इस प्रकार है कि ये वही जगह है जहाँ पर लक्ष्मण जी ने गंगा नदी को क्रॉस किया था। लक्ष्मण झूला एक आयरन सस्पेंशन ब्रिज है जिसकी लेंथ 450 फीट है, और गंगा से इसकी हाइट अराउंड 70 फीट है। लक्ष्मण झूला की दोनों तरफ आपको प्रसाद की छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी, जहां से आप मछलियों के लिए प्रसाद लेकर लक्ष्मण झूले से उन्हें दे सकते हैं, पर बी केयरफुल, ब्रिज पे ज्यादा लीन ना करें क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकता है। लक्ष्मण झूला को पार करने के बाद आप टाउन की दूसरी साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले त्रिम्बकेश्वर मंदिर में माथा टेक सकते हैं, जो कि 13 मंजिल ऊंचा होने के साथ साथ ऋषिकेश के मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक है। माथा टेकने के बाद हम मार्केट से होते हुए राम झूला की ओर चले गए। लक्ष्मण झूला से राम झूले का डिस्टेंस अराउंड 2 किलोमीटर है, जिसको पूरा करने में आपको आधा घंटे का वक्त लगेगा। लक्ष्मण झूला से राम झूला तक के रास्ते में आपको बहुत से म्यूजिक के शॉप्स, आश्रम, स्ट्रीट फूड कॉर्नर्स और नेचर पार्क्स मिल जाएंगे, और साथ साथ आपको मिल जाएगा द फेमस चोटी वाला रेस्टोरेंट, जहाँ पे खाना खाने के साथ साथ आप खूब सारे इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर्स भी ले सकते हैं। चोटी वाला रेस्टोरेंट से कुछ ही कदम की दूरी पर आपको दिखेगा द फेमस राम झूला, एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये एक बहुत ही शानदार नज़ारा होने वाला है।
एक चीज और जो आप यहाँ गंगा में कर सकते हैं वो है यहाँ की फेरी बोट राइड्स। इस राइड को आप लक्ष्मण झूला और राम झूला दोनों ही जगह से कर सकते हैं और ये चीज ऋषिकेश की मस्ट टू थिंग्स की लिस्ट में आती है, तो अगर आप कभी भी ऋषिकेश आए तो इस चीज को कभी भी स्किप ना करें। शानदार बोट राइड एक्सपीरियंस लेने के बाद हम निकल पड़े नीलकंठ महादेव की ओर, जो कि ऋषिकेश से 32 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव के रोड ज्यादा अच्छे नहीं है, तो आपको यहाँ पर बहुत ही केयरफुली ड्राइव करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज जो आपका दिल जीत लेगी वो है यहाँ के नज़ारे। एक साइड पर आपको आसमान से नीली गंगा बहती हुई दिखेगी और दूसरी साइड पर आपको उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखेंगे। ऋषिकेश से 1.5 से 2 घंटे की ब्यूटीफुल ड्राइव के बाद हम फाइनली पहुंच गए नीलकंठ महादेव टेम्पल। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें नीलकंठ महादेव के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब समुद्र मंथन के दौरान निकले काला कुट विष को पीने के कारण उनका गला नीला पड़ गया था। यह भी माना जाता है कि यह पुरानी घटना इसी स्थल पर हुई थी, इसलिए इस मंदिर को नीलकंठ महादेव मंदिर कहा जाता है। और वर्तमान समय में जो शिवलिंग मंदिर में स्थापित है उसे खुद शिव भगवान जी ने यहाँ पे स्थापित किया था। तो अगर आप बात कर लें कि आप ऋषिकेश में कब कब आ सकते हैं, आप यूं तो ऋषिकेश में कभी भी आ सकते हैं क्योंकि यहाँ साल भर बहुत ही अच्छा मौसम रहता है, लेकिन अगर आप यहाँ रिवर राफ्टिंग का सबसे बेस्ट मजा लेना चाहते हैं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपको सबसे ज्यादा फन आने वाला है। लास्ट जगह जो हमने अपने ऋषिकेश के ट्रिप पे कवर की वो थी द बीटल्स आश्रम, जो कि राजा जी नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। माना जाता है कि बीटल्स ने इस आश्रम में रहने के दौरान 40 गाने लिखे थे, जो उन्होंने बाद में अपनी फेमस एल्बम व्हाइट एल्बम में पेश किए। और अगर आप भी ऋषिकेश का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो बीटल्स आश्रम हमेशा आपकी विश लिस्ट में होना चाहिए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो ऋषिकेश की ट्रिप को लेके तो आप हमें कमेंट सेक्शंस या फिर हमें इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ सकते हैं।